हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइज, आप सब लोगों को हैप्पी होली। कल भी मैंने बोला था, पर जो मेन होली है वो आज है और मेरे वहाँ पे भी आज ही के दिन जो है होली वो मनाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। मुझे पता है काफ़ी कम लोग होंगे जो अभी वीडियो देखेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। US की तरफ से मैंने आपको कल बताया था, पॉवेल कुछ बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, उन्होंने बोला, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। SEC की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है, और शिबेरियम जो है वो भी फाइनली आने वाला है। कब आने वाला है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देखते हैं हम लोग बिटकॉइन का चार्ट। तो देखिए क्या हुआ, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मुझे थोड़ा पैटर्न जो है गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। वही चीज़ें अभी यहाँ पे हुई हैं जो हमने बात करा था कि मूवमेंट जो है वो बिटकॉइन का यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो वही ट्रेंड लाइन जो है बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक करी है। एक बार आप कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा 4 आवर चार्ट में आया हूँ उसके लिए। पहला सपोर्ट मैं इमीडिएटली देख रहा हूँ यहाँ पे 21,500 के नियरबाउट। हो सकता है कई लोगों को लगे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हम तो 22,000 में, पर ये लेवल को हम लोग कर सकते हैं। और अगर फाइनली ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग आ जाएंगे 20,400 से लेके 20,800 की रेंज के बीच में। रेजिस्टेंस अगेन ये वाला एरिया बहुत बड़ा है हमारे पास, 22,400 से लेके 23,000 के लेवल का बीच का। कल हमने बात करी थी ऑनचेन डेटा की, ऑनचेन डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया आ जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास सपोर्ट ये आएगा, जो कि ये बताता है 16,780 से लेके 21,790 के बीच का एरिया यहाँ पे। खैर 16,000 तो नहीं, पर हाँ 21,000 वाला जो लेवल है वो बहुत ईजिली बिटकॉइन जो है तोड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों आ सकता है? पहला, मैंने आपको कल ये पैटर्न बताए थे, और दूसरी चीज़ कल हुई यहाँ पे फेड की तरफ से। तो पॉवेल ने फाइनली बोला कि इंटरेस्ट रेट लाइकली टू बी हायर देन प्रीवियसली। तो यहाँ पे जो 25 की बात थी वो अब लग रहा है कि शायद नहीं होगा, 50 हमें फिर से देखने को मिलेगा। और 50 का मतलब ये है कि हमें मार्केट में एक शार्प डंप देखने को मिल सकता है। दो कंडीशन है उसकी। पहली कंडीशन, ये जो बात मैं कर रहा हूँ आपको, ये नेक्स्ट वीक की है, इस वीक नहीं आने वाला है इंटरेस्ट रेट का डेटा, नेक्स्ट वीक आने वाला है। अब देखिए क्या सिनेरियो है। अगर BTC ऑलरेडी यहाँ से डंप कर जाता है और हम लोग 20,400 के लेवल पे आ जाते हैं अगर, तब हमें वो 50 बेसिस पॉइंट आने पे उतना बड़ा डंप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी जगह पे रहे और वो टाइम पे आ गया 50, तो हम लोग नीचे धाड़ से यहां पे गिरेंगे। सेम उल्टा, अगर हम लोग 20,000 के नियर अबाउट पहुंच गए आने वाले टाइम में और जो इंटरेस्ट रेट है वो 50 की जगह पे 25 फिर से आ गया, तो फिर हम लोग स्काई रॉकेट मारेंगे और फिर से 22,000 के बीच में आ जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब इंटरेस्ट रेट आएगा वो टाइम पे बिटकॉइन किस तरफ चल रहा होगा, उसके बाद में तभी बात करेंगे। पर हाँ, US की तरफ से ये क्लियर है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से बढ़ा हुआ आने वाला है यहाँ पे। तो ये है खराब न्यूज़। एक दूसरी और बहुत बड़ी न्यूज़, क्योंकि ये जो अपडेट है ना गाइस, इसका इम्पैक्ट टेम्परेरी है, एक आध महीने के लिए पड़ेगा, पर ये वाला जो अपडेट है ना, इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे बहुत ज़बरदस्त पड़ सकता है। SEC हम लोग आए दिन देख रहे हैं, SEC कभी स्टेबल कॉइन के लिए कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अब ग्रे स्केल ने क्या करा, SEC को सू कर दिया यहाँ पे। बिटकॉइन का जो वो ट्रस्ट लेके आने वाले थे बिटकॉइन स्पॉट ETF का, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कर दिया सू। अब US का जो कोर्ट है उस तक ने SEC को यहाँ पे बोला है कि उसने किस बेस पे, जो ग्रे स्केल जो स्पॉट ETF लेके आने वाला था, आपने किस बेस पे उसको रिजेक्ट करा है यहाँ पे। और जो अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक चांस है कि ग्रे स्केल यहाँ पे उस चीज़ में जीत जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए बिलियंस ऑफ जो अमाउंट है वो ऐसा होगा जो बिटकॉइन में लग सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अभी के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक चांस है कि ग्रे स्केल ही इस चीज़ में जीतने वाला है। तो अगर जीतेगा तो ये चीज़ एक डेफिनेटली बड़ी हो सकती है क्रिप्टो के लिए। ये चीज़ नेगेटिव है पर टाइम बीन के लिए, और ये चीज़ हो गई तो भैया ज़बरदस्त एक आपको रैली देखने को मिल सकती है। अब शिबा इनू की बात करते हैं। तो शिबा इनू की ऑफिशियल हैंडल ने फाइनली डेट डाल दी है शिबेरियम की।
उन्होंने बोला है कि शिबेरियम का जो बीटा है वो इस वीक हमें देखने को मिलेगा। ये उनके डेवलपर की तरफ से नहीं है, ऑफिशियली है यहाँ पे। तो अब शिबाइनु हमें शिबेरियम जो है अब वो हमें देखने को मिल जाएगा, और ट्रेंडिंग भी जो शिबेरियम कर रहा है, और बोन के प्राइस ने एक रैली भी यहाँ पे दी है। बोन आप ऑलरेडी जानते भी हैं, मैंने आप लोगों को बोन और लीच दोनों ही सजेस्ट किया था। अगर बाय करा होगा तो अच्छा प्रॉफिट हो ही चुका होगा आपको, नहीं भी हुआ तो आपको प्रॉफिट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, शिबाइनु में भी, शिबेरियम में भी और लीच के अंदर भी। यहाँ पे अगली और लास्ट चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई यहाँ पे, वो ही विटैलिक की तरफ से। अब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो चलता है। तो विटैलिक ने क्या करा, $7,00,000 के शिट कॉइन जो है डंप कर दिए। अब आप बोलेंगे डंप क्यों कर दिए, तो विटैलिक को कई लोगों ने शिट कॉइन जो है शेयर कर दिए, जिनमें से एक कॉइन का नाम था यहाँ पे शिकोकू। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे नाम सुन रहा हूँ इसका। अब क्या हुआ, विटैलिक ने इसको मारा डंप और तगड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पे क्या हुआ, करीब 500 ट्रिलियन का जो था विटैलिक ने यहाँ पे डंप मारा। डंप मारने के बाद देखो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही डंप मारा 93% टोकन का प्राइस जो था वो डंप हो गया, और ऐसा डंप हुआ कि बेचारा रिकवरी नहीं ले पा रहा। 17% हमें अभी भी यहाँ पे डाउन जो है देखने को मिल रहा है। रीजन, विटैलिक को फालतू में भेज दिया गया, विटैलिक ने इस तरीके का डंप मारा। याद होगा शिबाइनू के केस में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, उसके बाद विटैलिक ने उस चीज़ को यहाँ पे डोनेट कर दिया था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके अलावा कल्ट डाओ भी कोई है, और एक है कुछ मोब्स, पता नहीं कौन कौन से हैं ये। ये सारे के सारे भेजे गए थे विटैलिक को, उन्होंने यहाँ पे डंप मार दिया, जैसे ही डंप मारे सारे के सारे जो कॉइन है वहीं पे वो क्रैश कर गए। तो ये थे गाइस कुछ अपडेट। ये दोनों अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा इन पे आप अपना ध्यान जो है यहाँ पे रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको भूल गया, तो मैं ऑप्टिमिज्म को भी यहाँ पे अभी बाय करने का सोच रहा हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने देखी है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन पे मेरे को दिखता है, तो करेंटली अभी ये चल रहा है 2.342 का, तो मैं वेट कर रहा हूँ एक बार 2.29 तक आने का, तो मैं एक छोटा सा पार्ट में इसको जो है वहां पे बाय करूंगा। अगेन एक बार में नहीं, छोटा सा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना नीचे की तरफ, तो ये तगड़ा नीचे जा सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो जनवरी से ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दे रही है। तो अगर ये सपोर्ट मिल गया इसको यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो नीचे जाएगा, फिर से मैं थोड़ा सा बाय कर लूंगा। तो थोड़ा सा अपनी नजर आप बना के जरूर रखो ऑप्टिमिज्म पे भी। अगर बेस पे आप लोगों को भरोसा है, तो बेस में यानी कि कॉइन बेस की जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में यहाँ पे बात कर दूँ। तो ये थे गाइस अपडेट। इसके अलावा कुछ और अपडेट अगर दिन भर रहा, आप जानते ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे था कि फटाफट रैप अप करेंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है होली के ओकेशन पे यहाँ पे बिजी होंगे, पर इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए डिस्कस करना भी उस चीज़ के लिए जरूरी था। देखा इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वंस अगेन हैप्पी होली। थैंक यू फ्रेंड्स।